Hello everyone, I am Shaina Lamba and today I am going to teach you about utility. तो utility क्या होता है? Utility is basically bond satisfying power of a commodity. किसी भी चीज़ को लेके जब हमारी bond एक satisfied हमारी inner urge होती है, जब वो satisfy हो जाती है तो उस चीज़ को हम term दे देते हैं utility. अब utility को हम कैसे कह सकते हैं, level of satisfaction से भी इसको हम कर सकते हैं. तो अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सपोज करो कि मेरा दिल है कि मैंने ऑरेंजेस खाने हैं, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट ऑरेंजेस. अब जो ऑरेंजेस हैं, जब मैं पहला ऑरेंज खाती हूँ तो मुझे कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उससे ड्राइव होती है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. सपोज करो कि मैंने जब पहला ऑरेंज खाया तो ये मेरे ऑरेंजेस हैं 1 2 3 4. जब मैंने पहला खाया तो मुझे 10 यूनिट्स जो है उससे ड्राइव हुए, ठीक है. उसके बाद जब मैं सेकंड खा रही हूँ तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई, वो 8 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, ठीक है. धीरे धीरे करके जो है वो कम हो रही है और एक लेवल ऐसा रहता है जब ऑप्टिमम लेवल होता है उसके बाद वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है. अगर अब मैं उसके बाद ऑरेंज खाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, अब नहीं उसको डाइजेस्ट कर सकती तो वो बाहर आ जाएगा. तो अब जो यूटिलिटी होती है उसकी दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है. पहली अप्रोच होती है ऑर्डिनल, दूसरी होती है कार्डिनल. तो जो ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच, इनके अंदर एक डिफरेंस होता है. इसके अंदर डिफरेंस ये होता है, कार्डिनल के अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं. मेजर किसके अंदर कर सकते हैं, यूटिल्स के अंदर. इसके अंदर कर सकते हैं यूटिल्स के अंदर, या फिर मॉनिटरी टर्म्स में, मनी के अंदर हम मेजर कर सकते हैं. इतने पैसों से ये चीज़ आती है तो इतने पैसों की मैं क्या लेना चाहूँगी, तो ऐसे. और यूटिल्स के अंदर कैसे कर सकते हैं कि इससे मुझे कितने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है. लेकिन जो ऑर्डिनल होती है इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसके अंदर हम प्रेफरेंस शो कर सकते हैं कि मैं प्रेफर करती हूँ. अगर 2 ऑप्शंस हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो मिस्टर ए को चूज करती हूँ बी के ऊपर. या फिर ऑरेंजेस हैं और एप्पल्स हैं तो मैं एप्पल्स लूँगी. तो ये क्या है, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं इसको प्रेफरेंस देती हूँ उसके ऊपर. यहाँ तक क्लियर हो गया. तो जो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई ना आपको, अब जो हम ऑर्डिनल को कैसे हम और एक नेम से बुलाते हैं तो उसको हम कहते हैं हिक्सियन एनालिसिस या फिर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है. और जो कार्डिनल है इसको हम कहते हैं मार्शल एनालिसिस. क्लियर, यहाँ तक का टॉपिक आई होगा, क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे जो है यूटिलिटी को हम 3 उसके अंदर डिवाइड कर लेते हैं. एक तो होता है टोटल यूटिलिटी जिसे TU कहते हैं, फिर आता है एवरेज यूटिलिटी जिसे AU कहते हैं, और फिर आता है मार्जिनल जिसे MU कहते हैं. इनके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग तरीके हैं इनको मेजर करने के. ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ब्रीफ में समझेंगे और आगे ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई. अगर आपको और अपडेट्स चाहिए कि वीडियो कब आएगी या कैसे कैसे चीज़ें मैनेज होंगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शाइना लांबा के नेम से मेरी आईडी है. और शाइन ब्लॉग्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरा एक चैनल है, वहाँ पे मैं नॉर्मल जो है डेली रूटीन के ब्लॉग्स डालती हूँ. थैंक यू सो मच.